भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सुनील जी व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे। सुनील जी आप ऐसा ही तो चाहते थे, यही तो हमने तय किया था, हमने यही तो सोचा था कि ये विप्र शक्ति, ये विप्र बल इस जयपुर की सारी सड़कों पे मंडरा जाए, एक हिंदुस्तान पूरे देश में एक संदेश भेजे। आप सबकी उपस्थिति में आप इस पूरी ताकत को, मात्र शक्ति को सबसे पहले वंदन नमन करता हूं आपके चरणों में, इसलिए कि आपने वो साबित कर दिया जो इस भारत के 100 साल के इतिहास में नहीं हुआ। और आप सबकी ओर से हमारे को आशीर्वाद देने आई आध्यात्म शक्ति के इस ऋषिगण, शताधिक ऋषि मंच पर बैठे हैं, मैं आप सबकी और मेरी ओर से इन सबको नमन और वंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं उन सारे जनप्रतिनिधियों और दल प्रतिनिधियों के जो हमारी इस दृश्य को देखने के लिए हमारे साक्षी बनने आए। बंधुओं बात क्या चलती है, ये डी खाली करने के लिए और बोल दो। ये डी बंधुओं अपनी है, अपन इसलिए आए हैं, अपने लिए आए हैं, एक बार खाली कर दीजिए प्लीज, बहुत जगह है, खाली कर दीजिए, अपने लिए आए अपन। मैं सर्वप्रथम इस राजस्थान की धरती पर ब्राह्मणों के हितों में जिन्होंने निरंतर काम किया, अपने जीवन पर्यंत सक्रिय रहे और एक ज्वाला जलाई रखी, मैं इस मंच से हमारे संगठन की ओर से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम नाम लेना चाहता हूं श्रद्धेय पंडित भंवरलाल जी शर्मा, जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने एक मशाल हमने सीकर से जलाई जयपुर तक ये कार्यक्रम किया। मैं नमन और वंदन करना चाहता हूं वेद हनुमान साहब जी चोटिया, जिन्होंने गांव गांव ढाणी गांव घूम के हमारे साथ 2002 में एक मशाल जलाई। मैं नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं हमारे श्याम जी वशिष्ठ, जो हमारे बीच नहीं रहे और जिन्होंने आरक्षण मंच का एक बीड़ा संभाला और एक आंदोलन हमने प्रारंभ किया। मैं नमन करता हूं हमारे लक्ष्मी नारायण जी सांडिले और हमारे पूर्व जितने भी अध्यक्ष और इस ब्राह्मण समाज को समर्पित रहे, उन सबको श्रद्धा सुमन आप और मेरी और संगठन की ओर से करता हूं। बंधुओं एक विशेष लिए बात चलती है कि एक हमारे राष्ट्र के लिए कहा जाता है कि मिस्र यूना रोमा मिट गए जहां से, कोई कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये अधूरी लाइन लिखने वाला कलामा था, अगली लाइन उसने लिखी नहीं। अगली लाइन यदि लिखता तो ये लिखा होता कि इन सब के पीछे खड़ी थी ये विप्र बल की शक्ति सारी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया, उनका जीवन इस राष्ट्र को समर्पित रहा। महर्षि दधीचि से लेकर हम आगे तक आए, मंगल पांडे की बात करें, हम क्रांतिकारियों की बात करें, एक नहीं लाखों लोगों ने बलिदान दिया है और इस ये राष्ट्र यदि बसता है तो ब्राह्मण के दिल में बसता है। मैं आपके दावा कर सकता हूं यदि हम परशुराम जिंदाबाद या परशुराम की जय का नारा लगाएं, दूसरे मन से भारत माता की जय बात करें, तो पूरे पांडाल में पहले भारत माता का जयकारा सुनाई देगा, क्योंकि देश जिंदा हमारे बीच में है। हमारे बीच में मंत्री महोदय पधार चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करें, मंच पर आ रहे हैं। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मैं एक बात इसलिए साबित करता हूं कि कथाएं चलती है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों को निशाने पर रख रहे हैं, पूरे देश में साजिश चल रही है, आज से नहीं 1000 साल से साजिश चल रही है, तो ब्राह्मणों को किनारे पर कैसा लगा जाए। बंधुओं ब्राह्मण अमर है, अमृत से पुत्र है, वयम अमृत से पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, हमें कोई नष्ट कर सकता नहीं, हमारी शक्ति को कोई रोक सकता नहीं, यह जवाब आपने आज आकर जयपुर की धरती पर दिया। मैं आपको एक बात इसलिए कहना चाहूंगा, अभी वैष्णव साहब का सीधा उद्बोधन होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक संकल्प के साथ जाएं। भाई सुनील जी ने एक नारा दिया कि व्यासपीठ से राजत्रिपीठ तक हमें वर्चस्व जमाना है, पर वर्चस्व किस लिए, इस आध्यात्म की रक्षा के लिए, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए, अपने लिए नहीं, ब्राह्मण ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए एक संकल्प लेकर जाएं कि हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, पर हम श्रेष्ठ भी रहेंगे, श्रेष्ठ हम संस्कारों से, हमारे आचरण से, हमारी मर्यादा से। एक बार मैं सबको पूर्ण नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि इस सारी शक्ति का इस कार्यक्रम को मैनेज करने में उपयोग करिए। एक संदेश जो जाना था पूरे राष्ट्र में गया, आपका यह संदेश युगों युग तक याद रहेगा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम फिर इस व्यवस्था को संभालें, ठीक रखें। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। पर जो बात हमारे दिलों में है, हरदम गूंजती है, उसकी भी जरूरत है, भारत माता की, भारत माता की।